हेलो बड़े ही आनंद कि आप लोग रात्रि 12:15 बजे तक भी डटे हुए हैं। मेरे पास लिप आ रही है कि महाराज जी का प्रवचन सुन रहे हैं, उसके लिए आप रुके हुए हैं। छापर के अंदर जो आप लोगों ने मेरा स्वागत सम्मान किया, एक एक डीजे नहीं, दो दो डीजे लेकर के करीब 10 किलोमीटर लंबी ये रैली के द्वारा आप जो नौजवान साथी थे, भारी संख्या के अंदर मोटरसाइकिलें लेकर आकर के, फोर व्हीलर लेकर आकर के आपने जो मेरा सम्मान किया, आप सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई छापर का प्यार देखते हुए, आप युवाओं को यहाँ जो रैली के अंदर स्नेह था, प्रेम था, इस भजन संध्या के आयोजन करता संत श्याम सुंदर जी महाराज, वाकई आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, वाकई लोगों से आपका जुड़ाव है, नहीं तो ये 5-5 लाख की राशि ऐसे ही नहीं आती है। जमीनी स्तर पर काम मजबूत होता है, लोगों से बराबर संपर्क रहता है, लोगों को रिजल्ट देना पड़ता है, तब ये बड़ी बड़ी राशि आती है, 11 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 5 लाख। क्योंकि मैं कई भजन संध्या में जाता हूं और आप एक खुशी होगी कि पहले आपका नाम श्याम सुंदर जी था, फिर मेरे से दीक्षाली नागौर आकर के, फिर आपने भगवा वस्त्र पहन करके गायों के लिए समर्पित हुए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप की ये गौ भक्ति जीवन पर्यंत बनी रहे, यही आपको आशीर्वाद। और मेरे जो गुरु जी हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अरुण गिरि जी महाराज, जो पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा के आचार्य पीठाधीश्वर हैं, उनके अंदर पावर है महामंडलेश्वर पद देने का, और उनके पास में संतों के पद देने का पावर है। तो मैं श्याम जी से निवेदन करूंगा, जब मैं आपको बुलाता हूं अब यार तू बॉस नोट सारी भाला की मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन मारो भी सभा विश्व से लजड़े तो मोर्चे के ले रहो ठंडा बनी बॉस को सभा हो। अब बीच बीच में आओ जन टावर तो बैठे ना, मतलब हाँ तो एक बार बैठे रहे, क्योंकि पूरी दुनिया को मान लो मैं बॉस को सभा उगाई है, रतन ठा को नहीं आ एने तो डायलॉग चाहिए, मैं हकीकत में कह रही हूं। अगर कुंभ आता है तो श्याम जी से निवेदन करना, निवेदन है कि आप मेरे साथ में चलना, संतों की एक पदवी दिलवा करके आपको लेकर के आता हूं, ताकि आपका धूमधाम से आनंद रहेगा, क्योंकि मेरी संतों के अंदर पकड़ है। रोजाना प्रतिदिन मेरे पास में संत आते हैं, जिस स्त्री वो चिकित्सालय, चाहे वे हरिद्वार के हो, चाहे वृंदावन के हो, गुजरात के हो, भारत के कहीं भी हो, रुकते मेरे पास ही हैं, क्योंकि संतों के लिए निःशुल्क की व्यवस्था है, रूम की, भोजन की, इसलिए संत मेरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा समय 2025 के अंदर आ रहा है, थोड़ा सा आप सब्र करना, एक संतों का बहुत अच्छा सा पद आपको धूमधाम से, उसमें सैकड़ों संत उपस्थित रहेंगे, हजारों भक्त उपस्थित रहेंगे, और धूमधाम से विधिवत ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण द्वारा आपको मैं पदवी दिलवा करके लाता हूं। संतों में बहुत सारी पदवियां होती है, एक पदवी इस छापर के अंदर लाते हैं देती है, ये आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं। बिराजी आप बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, अब धर्माराम जी गोदारा पधारे, कहां है जिन्होंने मेरे लिए डीजे करके, आपने जो मेरे प्रति भाव प्रकट किए हैं, आपको कामधेनु सेना के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर के आपका स्वागत सम्मान, और एक तलवार देकर के आपका स्वागत सम्मान, मैं तलवार भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए।
आप मेरे पास में तैयार हो चुके हैं, कंपाउंडर रह चुके हैं मेरे पास में कई वर्षों तक, और आज छापर के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार धर्माराम जी के लिए तालियों से स्वागत। तलवार, क्योंकि लोग कुछ गिफ्ट देते हैं लेकिन मैं तलवार ही भेंट करता हूं मैं, और ये आपका प्रशस्ति पत्र। जोरदार तालियों से स्वागत, आप श्री का अभिनंदन। कामधेनु सेना द्वारा ओम जी, आप ही आग लगाए, नीचे करो जना, थोड़ा नीचे टिका दो, बैठी देखो। हाँ, श्याम जी का इस गौ सेवा समिति में, श्याम गौ सेवा समिति में महत्वपूर्ण योगदान आप उधर देखे सामने। हाँ, धर्माराम जी का श्याम गौ सेवा समिति में बहुत ही सुंदर योगदान है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, पंडित चंद्र प्रकाश जी शास्त्री, आप श्री का मैं श्याम जी से निवेदन करूंगा, आप भी मेरे शिष्य हैं, ये आपके गुरु भाई हैं, इनका साफा माला और दुपट्टा पहना करके स्वागत सम्मान करें। और ये बहुत ही बड़े बड़ी कथाएं करते हैं, और जब एक कथा करते हैं राजस्थान में तो एक दिन में अपने शिष्य चंद्र प्रकाश जी को आशीर्वाद देने के लिए जाता हूं, ये भी मेरे शिष्य हैं प्रिय। हाँ, साफा माला और दुपट्टा द्वारा प्रसिद्ध कथावाचक चंद्र प्रकाश जी शास्त्री का स्वागत सम्मान होने जा रहा है। हाँ, अब मैं निवेदन करूंगा ओम जी मुंडेल सिंह, मेरे जो 400 व्यक्तियों में सबसे ऊपर है श्रवण जी विष्णु, इनका आप साफा माला और दुपट्टा द्वारा स्वागत सम्मान करें। हाँ लीजिए, हाँ यो, जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, ये लीजिए। और हेड कैंसर का मैंने सम्मान कर दिया, आप इधर आवे, और रुपया का नहीं आग्रह। हेड कैंसर नवरंगी विष्णु का मैंने स्वागत कर दिया है। हाँ, क्योंकि मेरे पास में 400 स्टाफ है, विभिन्न अलग अलग पद दिए हुए हैं, तो अलग अलग जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप श्री विराजे, परिचय मैंने आपका करवा दिया है। अब बात करते हैं गौ हितार्थ, और फिर आपके हिसाब से भी मैं बात करूंगा। एक देखो, विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय का संचालन करते हुए करीब मुझे 15 वर्ष हुए हैं, और उससे पहले भी मैं गौ सेवा करता था, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एक संत की बात को समझना, आपके घर में अगर कोई कष्ट है, तकलीफ है, या कोई भी व्यवधान है, उसका काफी समाधान हो जाएगा। एक रुपया लगेगा नहीं, मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। 12 महीने के अंदर 9 महीने अगर गायों की आप सेवा नहीं करते हैं तो चलेगा। माताएं ध्यान देना, विशेषकर आप इधर विराजमान हैं, लेकिन गायों के लिए ये 3 महीने बहुत अत्यधिक कष्टदायक होते हैं। अप्रैल बहुत नौसा मना रहा है। हाँ, एक बार थोड़ा ना यो को। हाँ, जो बाउंसर है उनसे भी निवेदन है। हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि उससे तान टूटती है अगर कहते हैं तो। माताएं ध्यान देना, आप बड़ी संख्या के अंदर विराजमान है, भैयाओं से निवेदन करूंगा, एक रुपया लगेगा नहीं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि अगर मेरी तरक्की के अंदर अगर किसी का हाथ है, तो मैंने करोड़ों का व्यापार छोड़कर के, अपना परिवार छोड़कर के गौ माता के लिए जो भक्ति की है, पूरे विश्व को हमने दिखाया, गावो विश्वस्य मात्र है, गाय सबकी, इस संपूर्ण जगत की माता है, ये हमने दिखाया है, लेकिन दिल से हमने गायों की सेवा की है, वही आशीर्वाद आपको मिले। इसलिए 9 महीने अगर आप गायों की सेवा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अप्रैल मई और जून, इन 3 महीने ये गायों के लिए बहुत कष्टदायक होते हैं, और वो राजस्थान के अंदर। इसका कारण ये है, एक तो अप्रैल मई और जून के अंदर भीषण गर्मी पड़ती है, एक दूसरा धरती के ऊपर हरा घास नहीं मिलता है गर्मी के मौसम की वजह से, दो और तीसरा तालाबों के अंदर पानी सूख जाता है। ऐसी स्थिति में गायें बहुत तकलीफ पाती हैं, कई गायें खत्म भी हो जाती हैं भूख प्यास और तेज गर्मी से, ऐसी यानी कि पेट की हड्डियां दिखाई दे ऐसी गायें मेरे पास आती हैं। लेकिन एक सुखद समाचार है, इस साल गायों की दुर्दशा कम हुई है, क्योंकि अभी बिना मौसम की जो बारिश हुई है, इससे गायों को ये 3 महीने में काफी राहत हुई है, ये एक बहुत अच्छी
खबर है, नहीं तो मेरे पास में इन दिनों काफी गाय आती है बीमार। तो आप माताएं ये ध्यान दें और भैया लोग ध्यान दें, अगर आपने मुझे इनवाइट किया है, चाहे संत के हिसाब से और चाहे बॉस के हिसाब से, लेकिन इस बॉस की एक बात जरूर मानना, मैं युवाओं का हमेशा मतलब क्या आदर और सत्कार करता हूं और आपसे हमेशा मतलब क्या है इतना प्यार करता हूं कि आप लोग धूप के अंदर तन मन धन खर्च करके मेरे लिए आगे हाजिर रहते हैं। तो युवा साथियों, आप मेरे पक्के फैन हैं, तो एक चीज का इस बॉस का ध्यान रखना कि घर के बाहर एक खेली रखना, आप उसके 100 रुपए लगते हैं और अपनी पत्नी से, माता से, बहन से कहकर के एक पानी की बाल्टी उसमें डलवाना सुबह शाम। और जब वो प्यासी गौ माता भीषण गर्मी के अंदर अप्रैल मई और जून के अंदर पानी पिएगी, और बचावा अन्न है, मैंने ये नहीं कहता रोटी बना, बचावा जो भी अन्न है उस खेड़ी के अंदर डाल दे, गौ माता पानी पिएगी और बचावा अन्न ग्रहण करेगी, तो आपके घर को वो आशीर्वाद देगी, घर की तरफ शांति से देखेगी, आपके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। ये मैं प्रत्यक्ष दावे के साथ में कहता हूं, ये इतना जरूर आप काम करना। और 1 महीना और 7 दिन निकल चुके हैं और करीब 1.5 महीने बाकी हैं, ये 1.5 महीने आप गौ माता के लिए निकाल दीजिए, फिर गौ माता 9 महीने आराम से धड़ाधड़ बारिश होगी, आराम से मतलब धरती पर घास चरेगी, तालाब का पानी पिएगी, स्वच्छंद वितरण करेगी। लेकिन ये 1.5 महीने आप ध्यान कर लीजिए और कल से इसकी शुरुआत करें। महाभारत के अंदर ये लिखा हुआ है, महाभारत द्वितीय खंड अनुशासन पर्व के अंदर, जो भीषण गर्मी के अंदर अपने घर के अंदर अगर ट्यूबवेल हो, कुआ हो, उसका एक दिन भी अगर उसको गाय माता को पानी पिलाता है, 7 पीढ़ियों के पूर्वजों को वो तार देता है, एक दिन का ये फल। यहां पर काफी लोग बैठे हैं, धनाराम जी प्रजापत भी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा आप पधारे, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपने मेरे ऊपर भजन लिखा है, वो मेरे पास आज भी पड़ा है। आप विद्वान हैं, कवि हैं और चापर के हैं, धन्नाराम जी प्रजापत, और अभी आपने मेरा सम्मान भी किया था, और उस भजन की कड़ी मुझे याद है, वो मैं पूरा आराम से रखता हूं मैं। वाजी वाह कुशाल आपका क्या कहना, करते काम कमाल आपका क्या कहना, वो भजन आपने मेरे को दिया था। और ऐसे अखंड विद्वान मूर्धन्य व्यक्ति के लिए जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन, और आज भी आप कुछ ना कुछ लेके आए हैं। हाँ एक मिनट में देखता हूं मैं। हाँ एक आपने तर्ज है, देख तेरे संसार की हालत, इस पर तर्ज पर आपने मेरे लिए भजन बनाया है, वाह धनाराम जी वाह, मेरी उम्र भी आपको लग जाए, लीजिए आप खड़े हो आप। हाँ जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। इतिहास बनता नहीं, इतिहास बनाया जाता है। मैं चंद्र प्रकाश जी शास्त्री से निवेदन करूंगा, मैं 2 शब्द बोलता हूं, धनाराम जी इधर पधारे, आप श्री का इनका माला और साफा सोल द्वारा स्वागत सम्मान करें। और अब जब गौ माता के ऊपर धरती पर लंपी स्किन डिजीज बीमारी महामारी आई थी, उस समय विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय ने 24 घंटे दरवाजे खोल दिए और 6 करोड़ रुपए लगा करके हमने देश का सबसे बड़ा लंपी स्किन डिजीज शिविर खोला और 200 गायें रोज की आती थी रोज। उस समय मैंने 25 डॉक्टर बुलाए थे अरावली वेटरनरी कॉलेज से, और आज भी मेरे पास में 100 कंपाउंडर काम करते हैं आज भी, और 2150 डॉक्टर कंपाउंडर को हमने तैयार किया है, 18 एम्बुलेंस है, और 5 राज्यों से घरेलू गौवंश मेरे पास आता है, 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है, और छापर से भी बीमार गायें मेरे पास आती है अत्यधिक बीमार हो तब। और कथा का हमारा एक मिशन है, और कामधेनु सेना जो देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन है, जो गायें कटने के लिए जाती है, युवा उन्हें छुड़ाते हैं, कामधेनु सैनिक छुड़ाते हैं, ये मैंने संक्षिप्त के अंदर परिचय दिया है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान देना, आप मैं अकड़ पकड़ नहीं रखता हूं, अगर कई मतलब जो है बुजुर्ग महिलाएं बुजुर्ग व्यक्ति अगर मुझे बुलाते हैं कथा के अंदर, तो मैं वेदों की बात करता हूं, धर्म ग्रंथों की बात करता हूं और गीता रामायण की बात करता हूं। लेकिन आप अगर युवा कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो मैं आपके जैसा भी बनता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे उनकी भूमिका थी वैसे वैसे बनते थे, उन्हीं से हमने सीखा है कि अगर युवा साथियों को जोड़ना है तो युवाओं के साथ में रह करके उनके साथ में मिलकर के चलेंगे,
मैं कहीं भी जाता हूँ युवाओं का हुजूम उमड़ता है। ये आप लोगों का प्रेम है और मैंने भी देखो आपको रास्ते के अंदर करीब 500 से ज्यादा मैंने मतलब कि आपको छल्ले देते हुए परिवारों को मैं आया हूं। इसलिए ये प्यार इसी तरह बनाए रखें। युवा साथियों, मैं मानता हूं कि आपके मन में ये है, हाँ आपके मन, हाँ विराजे आप, आपके मन में ये है कि मैं कुछ आपके लिए कुछ बात कहूं, वो इतार तो मैंने बात कही है, लेकिन आपके हिसाब से भी आप सुनना चाहते हैं ये मैं थोड़ा समझ रहा हूं। क्या मैं अपनी वाणी को विराम दूं या थोड़ा बोलूं? तो मैं आवाज नहीं है ये, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, चलते हैं पुनः ओम जी मुंडेल की ओर। जय श्री राम। सभी पधारे हुए